सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, मुझे इस वीडियो पर 1000 लाइक की जरूरत है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। इंडियन नेवी ने अनमैंड अंडरवाटर और सरफेस वेजल्स के लिए दो सेपरेट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है। अनमैंड सरफेस व्हीकल के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 12 व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट इंडिकेट करती है, जिनमें रिप्लेसेबल मिशन मॉड्यूल्स और सिमुलेटर हो, जो कि अलग अलग तरह के रोल्स के लिए ट्रेनिंग में मदद करें, जिनमें माइन काउंटरमेजर्स, एंटी सबमरीन वारफेयर मिशन शामिल हैं। हर एक व्हीकल 12 मीटर से लंबा नहीं होना चाहिए। सबमर्ज सिस्टम्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 8 हाई एंड्रेंस ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट इंडिकेट करती है, जो कि मॉड्यूलर डिज़ाइन वाले हों और जिनमें डेडिकेटेड मिशन मॉड्यूल्स लगे हों। हमारी दूसरी खबर S400 डिफेंस डील की तरफ से है। इंडिया अमेरिका की चेतावनी के बावजूद S400 डिफेंस डील को लेकर आगे बढ़ेगा, एक डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने यह जानकारी दी। उनके मुताबिक मिनिस्ट्री को अभी तक कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है जिसमें इस $5.5 बिलियन की डील को रोकने की बात हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वार्निंग दी थी कि अगर इंडिया रशिया से S400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है तो उसका प्रभाव यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन पर पड़ेगा। ऑफिशियल्स का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा हेड की जाने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस मिसाइल डील पर फाइनल डिसीजन लेगी। हमारी अगली खबर इंडिया की राइफल सर्च से आ रही है। इंडिया ने हाई टेक असॉल्ट राइफल्स, कार्बाइंस और स्मॉल आर्म्स की सर्च को एक्सपेंड किया है, लेकिन इस सर्च से उसने अपने ट्रेडिशनल अलाई रशिया को बाहर रखा है। इंडिया की प्रोक्योरमेंट टीम मिड जून में 5 देशों को विजिट करेगी जिनमें रशिया शामिल नहीं है। ये टीम US, इसराइल और साउथ कोरिया में गन मैन्युफैक्चरर्स को विजिट करेगी। वो उन देशों को भी विजिट करेगी जहाँ से इंडिया ने पहले कभी कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं खरीदा है। मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के रिस्पांस में इंडिया के साथ टाई अप करने में सहमति जताई है। इस प्रपोजल में 72,400 असॉल्ट राइफल्स, 93,895 कार्बाइंस और दूसरे स्मॉल आर्म्स खरीदने की बात की गई है। ये सारी प्रोक्योरमेंट फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के अंडर होगी। ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 12 वेंडर्स को दिया गया था। एक ऑफिशियल ने एक्सप्लेन किया कि रशिया ने भी असॉल्ट राइफल RFP को रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन उनके पास वो कैलिबर नहीं है जो हमें चाहिए, तो वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।